देख रहे हैं Alive24News, देश की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं Alive24News, मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश की उन बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोरा ने बैंकों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से जागरूक रहकर बैंक और पुलिस प्रशासन की मदद करने की अपील की। वहीं बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल कई बैंकों और सिक्योरिटी एजेंसियों की मीटिंग भी बुलाई। वहीं अपहरण और धमकी देने के आरोप में जौनपुर की जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत, बयान से पलटा जल निगम का अधिकारी। लॉकडाउन में घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर महोबा जा रही कौशाम्बी डिपो की बस पलटने से कोहराम मच गया। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। असम में COVID-19 मामलों की संख्या बढ़कर 102 हो गई, इसमें 41 ठीक और 3 मौतें शामिल। गाजियाबाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए हजारों मजदूर पंजीकरण कराने के लिए रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। भारत में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के चलते 21 मई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के सदस्यों को 14 दिनों के लिए किया गया होम क्वारंटाइन। पंजाब के लुधियाना में कोरोना और लॉकडाउन के बीच नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर खुले। CBSE बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। इस परीक्षा को कोरोना के कारण बीच में ही टाल दिया गया था। 12वीं की परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगी। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक CBSE 10वीं की परीक्षा होगी। STET की रद्द परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी, अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं भरना होगा फॉर्म। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Alive24News। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive24News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।